जमुई सदर थाना क्षेत्र के संगथु गांव में शुक्रवार को क्रिकेट खेलने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान एक पक्ष में जमकर गोलीबारी की गई, जिससे एक व्यक्ति के पेट में दो गोली लग गई, जबकि दूसरे व्यक्ति के बाह में एक गोली लग गई। घायल दोनों व्यक्ति को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की स्थिति गंभीरता देखते हुए चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया गया। नीतीश कुमार सहित अन्य लोगों पर गोलीबारी करने का आरोप लगाया है। सूचना के बाद मौके पहुंची टाउन थाना की पुलिस कार्रवाई करते हुए सौरभ कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फिलहाल सभी आरोपित फरार हैं। स्वर्ण रानी के साथ जमुई से अंजुम आलम की रिपोर्ट। चलो उधर ही गया हुआ था, उसको बुलाने के लिए हम गए कि झगड़ा हो रहा है तुम लोग घर चलो, तो वही लेके आ रहे थे उसी में लगा। किससे किससे झगड़ा हो रहा था? पप्पू मंडल से झगड़ा हो रहा था। और किससे? और इधर मुस्लिम का दो चार आदमी से झगड़ा हो रहा था। गोली लगा है कहाँ कहाँ पे मतलब झगड़ा हो रहा था? ये झगड़ा हो रहा था वहीं पप्पू मंडल के घर के बीचों बीच। कहाँ मतलब पप्पू मंडल का घर है कहाँ? संतु, संतु के पास। संतु वहाँ पे संतु में पप्पू मंडल के घर के पास झगड़ा हो रहा था है ना, उसी में आप गए बाहर निकले तो आपको गोली लग गया है ना, और किन को गोली लगा? और एक आदमी को लगा हो संतु का है। नाम क्या है उनका? उनका नाम मसलाउद्दीन, मोहम्मद मसलाउद्दीन। और आपका क्या नाम है? हमारा मोहम्मद मुजम्मिल। और मैंने कैसे मैंने किन के गोली से लगा को कौन मैंने गोली चला? पप्पू मंडल को गोली लगा। पप्पू मंडल गोली मारे हैं उसका आदमी, और दो चार आदमी था वो लोग भी गोली चला रहा था, चार पांच आदमी गोली चला रहा था। और चार पांच आदमी पप्पू मंडल का सब आदमी था। के बजे का घटना है ये? चलिए, किसने गोली चलाई है? पप्पू मंडल। जोर से बोलिए। आप देखे थे? वहीं पे थे। आप देखे? मामला क्या हुआ था? मामला क्या हुआ था, उस टाइम पे मैं पहुंचे थे, जब पहुंचे तो देखो गोली चल रहा था। हाँ। गोली चल रहा था तो आगे आया, गोली लग गया। कितने आदमी गोलीबारी कर रहा था? हम 15 लोग हूँ। 15 लोग थे? हाँ। ओ, आपका नाम क्या हुआ? मेरा मुदस्सिर नाम हुआ। और जिनको गोली लगी है वो आपके कोई लगते हैं? रिश्तेदार है। आपके रिश्तेदार है? इधर से भी कुछ हुआ क्या? इधर से कार्रवाई हुआ होगा तो नहीं कह सकते, हम लोग तो इधर आ गए। पप्पू मंडल या उनके सहयोगी को खुद से गोली चलाते देखे हैं? हाँ, हम देखे हैं। प्रशासन से, पुलिस से, सभी लोग हैं, देख रहे हैं, स्थिति नियंत्रण में है और लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति बिगड़ने नहीं दी जाएगी। बाकी जो भी दोषी हैं चिन्हित किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो हम लोग वॉचफुल हैं, जैसा ही होगा आप लोगों को अपडेट। पहले से भी सर यहाँ पर ऐसी वारदातें होती रही हैं और उसकी आज यहाँ पर पुनरावृत्ति हुई है सर, तो इसके लिहाज से क्या कहेंगे आप सर? ठीक ही है, सेंसिटिव स्पेसेस हैं ये सब जमुई के, यहाँ देखा जा रहा है जो भी दोनों समुदाय या जो भी मामला है उसको देख के तहकीकात करके हम लोग अपना कदम उठा रहे हैं। अच्छा, पुलिस प्रशासन तब तक रहेगी जब तक मामला शांत? जब तक मामला शांत नहीं हो सर, स्थिति पूर्णतया शांत और सामान्य नहीं हो जाती तब तक प्रशासन की पूरी यहाँ उपस्थिति रहेगी, हर कदम हम लोग उठाएंगे जो भी आवश्यक होगा। ठीक है। इसमें एक बच्चे के क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हुआ था, उसी में दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं, जिसमें दोनों पक्ष से लोग थोड़े जख्मी हुए हैं। अभी स्थिति नियंत्रण में है, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इस घटना में जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध में कठोरतम कार्रवाई। एक गिरफ्तारी की बात आई सर? हाँ, अभी हमने कहा कि इस घटना में जो भी जिस पक्ष से भी जो भी लोग दोषी हैं उनके विरुद्ध में कठोरतम कार्रवाई होगी। अब तक गोलीबारी की घटना सामने आ रही है सर, वो तो इलाजरत थे, अभी इंजरी रिपोर्ट आने के बाद सब चीजें स्पष्ट हो पाएगी। अभी तो है एक हम लोगों ने किया है, बाकी भी और भी जो लोग गोलीबारी हुई है, मैं इस बारे में भी जब तक डॉक्टर साहब का रिपोर्ट नहीं आया था इसमें कहना जल्दबाजी होगा। किसकी गिरफ्तारी हुई है सर, कुछ नाम? वो तो अभी नहीं हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि इस घटना में जो लोग भी दोषी हैं उनके विरुद्ध में प्रशासन कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई करे।